الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तकरीबे रूनुमाई के लिए पाकिस्तान तालीम और 21वीं सदी, जो कि बिल्कुल जो मैं अपनी राइटिंग्स पे लिखा करती हूँ फ्रेश फ्रॉम द ओवन है, और ऑथर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी। किताब पाकिस्तान तालीम और 21वीं सदी इस बात की बेहतरीन गमाज है कि बहुत सारे और माशरती पहलुओं के अलावा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी पाकिस्तान में तालीमी रुझानात, हालात और उनकी इस्लाह के लिए एक गहरी और कड़ी नज़र रखते हैं। टिकल थेरी में काम करने वाले लोगों के लिए इस किताब में कुछ बड़े कमाल के मौजूआत और बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिए गए। तालीमी अदम मसावात, हम जब सुनते हैं ये लफ्ज़ और डिस्पैरिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन, एक्सक्लूजन, तालीम में कैसे है, तालीम और मुआशरती इंसाफ, फिर तालीम यानी एजुकेशन कैसे सोशल जस्टिस को प्रिवेल रख सकती है, डेवलप कर सकती है, तालीम और सिन्फी अदम मसावात, जेंडर डिस्पैरिटीज़, देन तालीम और समाजी हदबंदियाँ। शाहिद साहब ना सिर्फ मेरे डीन थे, मेरे मेंटर भी थे, और मैंने एक छोटा सा इवेंट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनके साथ किया, और वहाँ से मेरा इनके साथ एक कल्बी लगाव शुरू हुआ और मुझे समझ आना शुरू हुई कि हमें एज़ उस्ताद कैसे होना है, हमें किस तरह के शागिर्द पैदा करने हैं, हमें कैसे टीचर्स की मेंटोरशिप करनी है। और वो 5 दिन के ऊपर मुहित एक प्रोग्राम था, और उसके दौरान में जो कुछ मैंने सीखा, तो शायद मैंने पिछले अपने 28 साल ज़िंदगी जो मैंने टीचिंग में गुजारी उसमें वो नहीं मैं सीख पाई और समझ पाई उन चीज़ों को। मैं शुरू करूँगी आधे अधूरे ख्वाब के साथ अपने ताल्लुक से। आधे अधूरे ख्वाब एक ऐसा नॉवल है जिसने मेरे साथ बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बनने जा रहे थे या जो एस्पायरिंग एजुकेशनिस्ट बनने जा रहे थे, उनके लिए ये किताब एक मशले राह बनी। इस किताब ने हमारी ज़िंदगियों पे बहसियत उस्ताद और बहसियत इंसान कुछ ऐसे असरात छोड़े कि सरसहारन राय की बातें, उनके सवाल की जुस्तजू, उनका तदरीस का अमल, और फिर उसके साथ अपने तुलबा को और तालिबात को एक ख़ुद मुख्तारी देना और उसके साथ उनको तख्लीक के अमल से गुजारना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि अभी इस किताब का जब मैंने रिसेंटली अंग्रेज़ी तर्जुमा भी पढ़ा और उसके बाद जब मैं ये किताब बार बार पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि सर राय के बहुत सारे ख्वाबों के जवाब यहाँ मौजूद हैं। सर ने लिखा, मामले की संजीदगी को पेश नज़र रखते हुए मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का नफास किया जाए। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें तालीमी इमरजेंसी की ज़रूरत है इस वक्त? आई एम श्योर कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। उसके बाद एक और चैप्टर, तालीमी हिकमत अमली मयार का मसला। क्वालिटी को हमने बहुत से पर्सपेक्टिव से पढ़ा, और इतना पढ़ा कि क्वालिटी पे डिविजन्स भी बन गए, क्वालिटी पे किताबें भी लिखी गईं, कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, लेकिन क्वालिटी तालीमी और समाजी हदबंदियों में कहाँ जकड़ के रह गई है, और उस क्वालिटी को हमने कैसे मार्क्स और बोर्डियो के कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए आगे देखना है, वो इस चैप्टर में एक बड़ी खूबसूरत तरीके से बयान की गई। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करूँगा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब को। मुबारकबाद के साथ साथ खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने एजुकेशन का एक ऐसा डिप्राइव्ड सेक्टर है, स्पेशली लिटरेचर के हवाले से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी आथर्स का लिखे हुए किताबों का बहुत बड़ा फुकदान है। इस हाल में और स्टेज पे सारे मौजूद हम उस्ताद और एकेडमिशियंस और करिकुलम डेवलपर्स और प्रोफेसर्स बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि हर बंदा
किताबों का शौकीन है, किताब पढ़ता है और उनकी एक रिक्वायरमेंट भी है और उनका शौक भी है। तालीम के हवाले से ये उर्दू में मेरी पहली किताब है। मेरी पहली किताब जो तालीम के हवाले से थी वो रीथिंकिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान 2007 में आई, और ये जो आगा खान यूनिवर्सिटी की जिनकी तरफ इशारा किया है, यहाँ पे तीन लोग बैठे हैं, ये काफ़ी फेमिलियर हैं उस किताब के साथ, क्योंकि उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे और उन्हीं दिनों की बात है जब मैंने वो किताब लिखी। और उस किताब की जो मैं समझता हूँ ख़ास बात ये थी कि बड़ा सादा उसलूब में पाकिस्तान का जो मंजरनामा है एजुकेशन का उस पर लिखा गया था। ये किताब जो है इसके कंटेंट्स पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे स्पीकर्स ने की है। मैं एक जनरल एक जो मेरा पर्सपेक्टिव है एजुकेशन के बारे में कि तालीम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तालीम का हमारा नोशन या कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज़ एजुकेशन। और यहीं से फिर बाकी बातें शुरू होती हैं कि उस नोशन पे हम मेथड बनाते हैं, उस मेथड पेडागोजी बनती है और उसी मेथड के हवाले से फिर असेसमेंट होती है। ये जो जितनी भी कोशिशें इस नौइयत की हैं ना, इनका महवर आप लोग हैं। ये हमने अपने दौर में जो करना पढ़ना था किया, अपनी अपने तई कोशिश की और मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी से शायद नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। आप लोगों के आगे फ्यूचर है, ये आपके लिए एक लिखी गई तहरीर है, आपके जहनों को खोलने के लिए आपका यहाँ मौजूद होना यही इस महफिल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी दिलचस्पी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको ये वस्फ दे रखा है कि आप चीज़ों को बहुत ही आसान अंदाज में, पेचीदा गुफ्तगू को बड़े ही आम फहम अंदाज में आप लिख देते हैं, जो पढ़ने वाले को बहरहाल बहुत समझ भी आती है और ऑब्वियसली मुतासर करती है, जिसकी वजह से आपकी माशाल्लाह रीडरशिप बहुत ज़्यादा है, लोग आपकी तकलीद करते हैं इन मामलात में।